महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां अपने नए रेट्स जारी करती हैं। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दामों में भी इस समय बदलाव हुआ है। इसी के साथ आपको कुछ समय पहले ये भी बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दामों में भी बदलाव हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं, पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को नए रेट्स जारी करती हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। 1 अक्टूबर 2024 के ताजा अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन हालांकि कुछ राज्यों में जो मामूली बदलाव है वो किया गया है। देखिए, आप फिलहाल किस राज्य से इस खबर को सुन रहे हैं, अपने अपने एरियाज को जरूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल की मैं बात करूं तो कुछ एरियाज में ये बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कहीं पर जहां बदलाव किया गया है, इस समय विभिन्न जगहों की बात की जाए तो कुछ हद तक बदलाव है। समय की खबर की मैं बात करूं तो जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, देखिए रेट्स में बदलाव किया गया है। आप लोग जानते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए, वो भी अपने रेट्स में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव करती है। इसी तरह तेल कंपनीज ने आज भी रेट में बदलाव किया है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो। देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो हालांकि एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में जहां एक और बड़ा बदलाव हुआ है, वहीं पर पेट्रोल डीजल के दामों में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि कुछ हद तक कुछ रुपए का बदलाव जो है वो किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बदलाव जो हुआ वो आज यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है कि तेल की कीमतें अभी फिलहाल स्थिर हैं, हालांकि कुछ राज्यों में मामूली परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, आपके राज्यों में, आप किस राज्य से देख रहे हैं, आपके राज्यों में पहले पेट्रोल डीजल के दामों की कितनी कीमतें थी, उस हिसाब से जो कुछ पैसे अगर बदलाव हुआ है तो वो कितना बदलाव हुआ है, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इस समय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसी के साथ फिलहाल इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ हद तक बदलाव हुआ है। प्रति लीटर के हिसाब से कुछ पैसों में बदलाव जो है वो किया गया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अधिकतर होती हैं। इसी के साथ भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की जाए, IOC, BPCL, HPCL हर दिन सुबह जो है वो 6 बजे कीमतें जो है वो जारी करते हैं। अभी फिलहाल आज की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, ये मैंने आपको बताई है कि कुछ राज्यों में मामूली परिवर्तन जो है वो देखने को मिले हैं पेट्रोल डीजल के दामों में। इसी के साथ साथ आप लोग जिस भी इलाके से इस खबर को सुन रहे हैं, आपके इलाके में भी क्या दामों में बदलाव हुए हैं पेट्रोल के, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल की बात करें तो ये हर दिन बदलने वाले रेट्स रहते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन सुबह 6 बजे जो है वो बदलाव किया जाता है। और इसी तरह अभी की भी मैं बात करूं तो इस महीने भी जो है वो बदलाव किया गया है। हालांकि पहली तारीख की बात करें तो पहली तारीख बहुत अहम रहती है बदलावों को लेकर। तो पहली तारीख की बात करें यानी कि 1 अक्टूबर 2024 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भी आज कई राज्यों में कुछ हद तक कुछ परिवर्तन, मामूली परिवर्तन पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, आप लोग जो जिस इलाके से इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग अपने इलाके में पहले के रेट्स को और अब के रेट्स को जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके एरियाज में कितने बदलाव आए हैं। क्योंकि विभिन्न राज्यों में इस समय अलग अलग रेट्स जो है वो चल रहे हैं और उनके हिसाब से कुछ हद तक जो रेट्स में बदलाव है वो दर्ज किए गए हैं। तो अभी तक की जानकारी आपको हम जम्मू से बता रहे थे। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।